जगमग ज्योति हूँ मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 23/12/12 और आज रविवार है, तो इसलिए हम अपने प्राण प्यारे सुख्यम वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली लेकिन साकार में बाप दादा की पधरामणी होने पर हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने सुनाया। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/10/75 की मुरली है और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर। संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। हम सभी जानते हैं कि प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा परम शिक्षक बन करके योगेश्वर के रूप में हम बच्चों को राजयोग सिखाया। तो पहले हमें राजयोग की शिक्षा दी और राजयोग की शिक्षा के साथ साथ हमें उस राजयोग को प्रैक्टिकल में कैसे करना उसकी विधि भी सिखाई। और जो इस विधि पूर्वक योग को करते हैं उन्हें उस विधि पूर्वक किए हुए राज योग से जो प्राप्तियां होती है उन प्राप्तियों को सिद्धि कहा जाता है, जिन सिद्धियों को हम बच्चे प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां वो भी बाप दादा ने सिखाई। तो मुरली में बाप दादा ने यही बातें बताई हैं। मुरली शुरू कर रही हूँ। सदा बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होते हुए, बाबा हमारे निराकार हैं, विदेही हैं, तो हमें भी बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति में स्थित होकर के इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म को करते हो। हम हैं निराकार परंतु इस सृष्टि पर हम साकार शरीर का आधार लेते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ हम कर्मेंद्रियों के साथ कर्म करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि कर्म कैसे करो, कर्म योगी बन करके कर्म करो। तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्म योगी। तो ये नाम ही सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करते रहना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही याद, कौन सी किसकी याद, मीठे मीठे शिव बाबा की याद, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का
आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। उससे ही प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो हमारा निजी कार्य कौन सा है कि हम अपनी विदेही स्थिति में रहकर और इन कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर और हमें बाप ने जो नई दुनिया की स्थापना के लिए कार्य सौंपा है हम उस कार्य के जो भी कर्म हैं वह हम कर्म योग युक्त होकर के और करें। तो बाबा कहते हैं वह भी तो तुम्हारे लिए बड़ा नेचुरल है और कुदरती है, तो इसीलिए बड़ा सहज भी है और बड़ा सरल भी है। अच्छा, अब बाप दादा हमें शिक्षा देने के पश्चात अब हम याद प्यार दे रहे हैं कि ऐसे रूहानी ड्रिल के अभ्यासी सदा अधिकारी विश्व कल्याणी हर संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बनने वाली आत्माएं ऐसे बाप समान प्रकृति को अधीन कर चलाने वाले और ऐसे सर्वसमर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, एक बाप की याद के द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की विधि है एक की याद। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का फिर सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। तो ऐसे एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना माना बिंदु बन जाना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद ही एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी भी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, नोट डाउन, जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के ही आते हैं। स्लोगन है आज का, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। क्रिसमस आ रही है, सभी कैंडल जलाएंगे और बहुत अपने गॉड फादर जो हेवनली गॉड फादर हैं उनको रोज चर्च में जाकर विशेष रूप से याद भी करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं श्रेष्ठ आशाओं का कैंडल जलाएं और सच्चे सच्चे बाबा के कुल दीपक बने। तो ये हमें सभी को बात याद रहे और अब हम आने वाली क्रिसमस में स्वयं को भी जगाएं और अन्य आत्माओं को भी बाप का संदेश दे करके जगाएं। ओम शांति, ओम शांति।